आइए चर्चा करते हैं कि टेलीविजन क्या है। टेलीविजन ग्रीक एवं लैटिन भाषा से लिया गया एक संयुक्त शब्द है। टेली शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है दूरी, और विजन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मैं देखता हूँ। टेलीविजन हमारे युग का एक महान चमत्कार है। टेलीविजन दर्शकों को सुदूरवर्ती स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी बनाने में मदद करता है। आधुनिक संचार क्रांति में टीवी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टीवी तो किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है। आधुनिक संचार क्रांति में टीवी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टीवी तो किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है। यह राष्ट्र के स्वरूप का दर्पण है। समस्त संचार माध्यम में टीवी ही परिवर्तनकारी तत्व है। विगत 10 वर्षों में अपने देश का संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। न कोई परिवार सैर सपाटे पर निकल रहा है, न पार्कों में हो हल्ला मच रहा है। अधिकांश लोगों की नज़र टीवी पर गड़ी रहती है। कोई सीरियल छूटने न पाए, अब तो सप्ताह के दिनों का टीवी सीरियल के माध्यम से पहचाना जाता है। पहले रविवार छुट्टी का दिन माना जाता था, जिस दिन बड़े इत्मीनान से रुचिकर कार्यों को पूरा किया जाता था। पर अब तो प्रमुख धारावाहिकों ने गृहिणियों को इस प्रकार व्यस्त कर दिया कि पुरुष वर्ग खिचड़ी खाकर ही चुप बैठ जाते हैं। वस्तुतः दैनिक जीवन में टीवी की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। जब रेडियो संचार प्रणाली द्वारा ध्वनि दृश्य संकेतों को प्रसारित करना संभव हुआ तो संचार जगत में क्रांति मची। टेलीविजन संचार का वह साधन है जिससे किसी कार्यक्रम के चित्र और ध्वनि का प्रसार दूर दूर तक होता है। हमारी रुचि बदल रही है। विभिन्न तेल, शैम्पू, साबुन, वाहन और विद्युत उपकरणों के बिना अब हमारा काम ही नहीं चल सकता। वीडियो हमें सिनेमा हॉल से दूर रखता है, किंतु पर्सनल सिनेमा, फैमिली सिनेमा, प्राइवेट सिनेमा, एक्सपर्ट सिनेमा को बढ़ावा देता है। जिस तत्परता से अपने देश में टीवी केंद्रों का जाल बिछा है, उसी तेजी से तथा तत्परता से अपनी संस्कृति भी परिवर्तित हुई है। तात्कालिकता, घनिष्ठता और विश्वसनीयता के कारण टीवी सामाजिक परिवर्तन लाने में सर्वाधिक सशक्त जनसंचार माध्यम है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत प्रायोगिक रूप से 1959 में हुई। प्रसारण के शुरुआती वर्ष में इसकी पहचान एक श्वेत श्याम माध्यम की थी। श्वेत श्याम तस्वीरों के प्रसारण के साथ भारतीयों के लिए शिक्षा, सूचना और थोड़े से मनोरंजन का इकलौता घरेलू माध्यम यह था। यह दौर 1982 में बदल गया जब टीवी में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। इस समय तक टीवी के पास कुछ फिल्में और संक्षिप्त नाटक, गीत संगीत, चर्चा परिचर्चा और समाचार के कार्यक्रम होते थे। 1984 से भारतीय टीवी के मनोरंजन फलक का विस्तार हुआ और हम लोग के रूप में प्रथम सोप ओपेरा भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध हुआ। 1984 से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास के दर्शकों के लिए मेट्रो चैनल के रूप में नया चैनल आ गया। टेलीविजन की उपलब्धता धीरे धीरे सभी लोगों तक बढ़ती चली गई। 1984 से 90 तक का दौर भारतीय टीवी जगत में इन दोनों चैनलों के विस्तार और टेलीविजन प्रसारण की सुविधा के विस्तार के लिए जाना जाता है। डीडी राष्ट्रीय चैनल पर एक के बाद एक लोकप्रिय श्रेणियों का जोर जारी था। जाने कितने सीरियल आते गए, चाहे वो बुनियाद हो, तमस हो, अड़ोस पड़ोस हो, विक्रम बेताल हो, लेकिन जो स्थान रामायण और महाभारत का है वो शायद ही किसी सीरियल का हो सकता है। रामायण और महाभारत के प्रसारण ने भारतीय इतिहास में टेलीविजन की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। घर घर टेलीविजन आने लगा, घर घर टेलीविजन के कार्यक्रम देखे जाने लगे। टेलीविजन के लिए कार्यक्रम बनाने में सामान्यतः 3 टीमें मिलकर काम करती हैं, तैयारी करने वाली टीम, प्रोडक्शन टीम और संपादन टीम। तैयारी टीम योजना बनाती है, वह कार्यक्रम की तैयारी करती है, प्रोडक्शन टीम कार्य करती है और संपादन टीम प्रोडक्शन टीम द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में से अनावश्यक दृश्यों को हटाता है, उससे जहां जरूरी हो वहां संगीत, विशेष ध्वनि और टाइटल आदि डाला जाता है। निर्देशक
तीनों टीमों का मुख्य सदस्य होता है। छोटे पैमाने पर होने वाले प्रोडक्शन में सदस्यों को कई काम करने पड़ते हैं। कई बार चार सदस्य प्रोडक्शन टीम में कार्यक्रमों का निर्माण कर लेते हैं। छोटे प्रोडक्शन केंद्र में एक या दो पूर्णकालिक निर्माता निर्देशक होते हैं और जरूरत पड़ने पर वह अंशकालिक सदस्यों की सहायता लेते हैं। बड़े संगठनों में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के काम व्यवस्थित रूप से विभाजित होते हैं। उनके पद भी विशिष्ट होते हैं। जैसे तकनीकी रूप से ऑडियो निर्देशक का मतलब ऐसे रचनात्मक व्यक्ति से है जो कार्यक्रम के मुताबिक संगीत का चुनाव या निर्माण करता है। ऑडियो इंजीनियरिंग का काम माइक्रोफोन का उचित संयोजन और ऑडियो निर्देशक के निर्देश पर वीडियो टेप में संगीत या विशेष ध्वनि प्रभाव को डालना है। इसी तरह प्रकाश निर्देशक प्रकाश योजना तैयार करता है और कार्यक्रम का मिजाज तय करता है, जबकि प्रकाश इंजीनियर उसके निर्देशों पर बल्बों को व्यवस्थित करता है। पर छोटे संगठनों में एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है, उसमें चाहे प्रकाश निर्देशक कह लें या गाफर कह लें या प्रकाश इंजीनियर या लाइटमैन। आविष्कार एवं कार्य पद्धति। जेएल बेयर्ड ने ब्रिटेन से सन 1926 में टेलीविज़न का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वास्तव में दूरस्थ बस्तियों और दृश्यों को उसी वक्त स्क्रीन पर प्रदर्शित करने में सक्षम टीवी का आविष्कार क्रमिक और मिलीजुली खोजों के परिणाम स्वरूप हुआ। अमेरिका के ज्योरवकिन ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। सन 1928 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जिसमें बेयर्ड की मैकेनिकल प्रणाली को असफल करार दिया। टीवी संदेशों को शीघ्र और सही रूप में प्रेषित करने में यह एक क्रांतिकारी विकास था। टीवी के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए ध्वनि और दृश्य दोनों को विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। ये तरंगे टीवी पर आकर फिर मूल ध्वनि और दृश्य में बदल जाती हैं। टीवी कैमरे में एक ऑर्थिकॉन ट्यूब होती है। दृश्य का प्रतिबिंब एक लेंस द्वारा इस ट्यूब में लगी प्रकाश संवेदनशील प्लेट पर पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद इसको कैथोड रे ट्यूब के द्वारा स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग से प्रतिबिंब विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वीडियो सिग्नल कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके प्रसारित करते हैं। साथ ही आवाज़ को माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत धारा में परिवर्तित करके तथा आवृत्ति मॉड्यूलेट करके प्रसारित किया जाता है। इसे ऑडियो सिग्नल कहते हैं। दृश्य और आवाज की ये विद्युत चुंबकीय तरंगे एंटीना से टकराकर हमारे टीवी सेट तक पहुंचती हैं और सेट द्वारा दृश्य तथा ध्वनि में परिवर्तित हो जाती हैं। रंगीन टेलीविजन। कलर टेलीविजन की कार्यप्रणाली ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से मिलती जुलती है। इनके कैमरे के अंदर लगे दर्पणों से आने वाले प्रकाश को तीन फिल्टरों द्वारा तीन रंगों में विभाजित कर दिया जाता है। एक फिल्टर केवल लाल रंग के लिए, दूसरा नीले रंग के लिए और तीसरा हरे रंग के लिए होता है। प्रत्येक रंग का प्रकाश अलग अलग कैमरे के ट्यूब पर पड़ता है। हर ट्यूब में एक अलग ग्लास प्लेट और इलेक्ट्रॉन बीम होती है। ट्यूबों से तीन सिग्नल ट्रांसमीटर में पहुँचते हैं। टीवी का ट्रांसमीटर इन तीनों सिग्नलों को मिलाकर एक कर देता है। इन तीन मूल रंगों के विभिन्न अनुपात में मिलने से टीवी स्क्रीन पर रंगीन चित्र उभरता है। टेलीविज़न का आरंभ। पॉल निफकॉव 1884 में टीवी के मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम की खोज किए। यह एकल टेस्ट स्पाइरल लेंसों की व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक लेंस टीवी पिक्चर की लाइन प्रेषित करता था। एक चक्कर में एक टीवी फ्रेम प्राप्त होता था। इसे निफकॉव डिस्क के नाम से पुकारा गया। यह टीवी की महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था थी। इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 1926 में जेएल बेयर्ड ने विश्व का प्रथम वास्तविक टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित किया। प्रथम प्रयोग में वह बेयर्ड ने एक कक्ष से दूसरे कक्ष में टीवी सिग्नल भेजने में सफलता प्राप्त की। 1927 में वह टीवी सिग्नल लंदन से ग्लासगो भेजने में सफल हुआ। यह काम टेलीविज़न के तारों की मदद से किया गया। 1928 में विश्व के पहले प्रायोगिक टेलीविज़न स्टेशन की शुरुआत हुई। बेयर्ड की टेक्निक पर सन 1929 में पहली बार बीबीसी ने टीवी प्रसारण का शुरुआत की। 1932 से उसने नियमित मनोरंजक कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी। 1936 में प्रसारण की यह व्यवस्था उच्च तकनीकी हाई रेजोल्यूशन में बदल गई।
रंगीन टीवी सन 1941 में सामने आया। 1949 तक ब्रिटेन और अमेरिका में टीवी आम लोगों में प्रचलित हो चुका था, लेकिन रंगीन टीवी के प्रोग्राम रेगुलर होने में सन 1950 के बाद 1952 से इसकी रेगुलर प्रसारण की शुरुआत हो गई। विकास के चरण को अगर हम देखें तो 1897 में सबसे पहले फर्नांडिन ब्रायन द्वारा कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया। 1907 में टीवी चित्र हेतु कैथोड रे ट्यूब का उपयोग होना शुरू हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1923 आइकोनोस्कोप का पंजीकरण हुआ, इसे आधुनिक टीवी पिक्चर ट्यूब का अग्रज कहा जाता है। 1925 से 30 के बीच अमेरिका में श्वेत श्याम प्रसारण प्रयोग चालू हुए। 1938 में जॉर्ज वेलेंसी ने रंगीन टीवी का प्रारूप प्रस्तुत किया। 1949 में क्रोमिनेंस व ल्यूमिनेंस तकनीकी का एक चैनल के रूप में प्रयोग होने लगा। 1975 में सोनी कंपनी ने बीटा मैक्स VCR प्रस्तुत किया। 1976 में डॉल्बी ध्वनि की व्यवस्था हो गई। 1978 में फिलिप्स ने पहला वीडियो लेजर डिस्क पेश किया। 84 में पहला उच्चीकृत VVR आया। स्टूडियो टीवी की शुरुआत 85 में हुई। HDTV की शुरुआत 94 में हुई। अगर हम भारत में टेलीविज़न के शुरुआत की बात करें तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत प्रायोगिक रूप से 1959 में हुई थी। प्रसारण के शुरुआती वर्ष में इसकी पहचान एक श्वेत श्याम माध्यम की तरह थी। श्वेत श्याम तस्वीरों के प्रसारण के साथ भारतीयों के लिए शिक्षा, सूचना और थोड़े से मनोरंजन का इकलौता घरेलू माध्यम था। यह दौर 1982 में बदला जब टीवी प्रसारण रंगीन हुआ। इस समय तक टीवी के पास कुछ फिल्में और संक्षिप्त नाटक, गीत संगीत, चर्चा परिचर्चा और समाचार के कार्यक्रम होते थे। 1984 से भारतीय टीवी के मनोरंजन फलक का विस्तार हुआ। 1984 से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास के दर्शकों के लिए मेट्रो चैनल के रूप में भारतीय दर्शकों को नया टेलीविजन चैनल की सुविधा भी उपलब्ध हुई। अब दो टेलीविजन चैनल DD राष्ट्रीय और DD मेट्रो हो गए। 1984 से 1990 तक का दौर भारतीय टीवी जगत में इन दोनों चैनलों के विस्तार और टेलीविजन प्रसारण सुविधा के लिए विस्तार का काल था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जिन्हें टेली मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1984 तक, जब उनकी मृत्यु हुई, लगभग रोज ही एक टेलीविजन रिले स्टेशन का उद्घाटन किया। इस तरह से भारत में टेलीविजन के विकास में उनका योगदान अहम है। DD राष्ट्रीय चैनल पर एक के बाद एक लोकप्रिय सीरियलों का दौर जारी था। हम लोग के बाद बुनियाद, तमस, अड़ोस पड़ोस, विक्रम बेताल, ये जो है जिंदगी, तमाम अनेक सीरियलों ने भारतीय दर्शकों को निरंतर मनोरंजन किया। लेकिन टीवी दर्शकों की संख्या में वृद्धि तथा दर्शक संख्या और आमदनी दोनों के लिहाज से दो सीरियलों ने नया इतिहास रचा। ये सीरियल थे रामानंद सागर का रामायण और BR चोपड़ा की महाभारत। इन सीरियलों की लोकप्रियता ने करोड़ों लोगों के रूप में नया दर्शक वर्ग पैदा किया। भारतीय टीवी के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोड़ प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 के दौरान आया। अमेरिका न्यूज नेटवर्क CNN के सौजन्य से भारतीय दर्शकों ने आधुनिक युद्ध का जीवंत प्रसारण देखा। आकाश में स्कर्ड और पैट्रियाट मिसाइलों की टक्कर के रोमांचकारी दृश्य ने भारतीय आकाश में निजी व विदेशी चैनलों के लिए पहला रास्ता बनाया। इस समय तक देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव हो चुका था और उदारीकृत व्यवस्था में बहुउद्देशीय उपग्रह चैनलों के प्रवेश में कोई खास अड़चन नहीं थी। 1991 से 1992 के बाद से भारत में टीवी दर्शक के लिए चैनलों की बहुतायत उपलब्धता हो गई। आज 250 के लगभग विभिन्न स्थानीय से लेकर विदेशी चैनल भारतीय दर्शकों को सीधे अथवा केबल ऑपरेटर के मदद से उपलब्ध हैं। लगभग 100 वर्षों की अपनी संक्षिप्त जीवन यात्रा में टीवी ने पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। आज यह मनुष्य के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। मनोरंजन के साधन के रूप में इसकी विशिष्ट पहचान है। दुनिया भर में हजारों टीवी चैनल लोगों के लिए उच्च स्तरीय नियमित प्रसारण उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में टीवी की लोकप्रियता जन माध्यम में सर्वाधिक है। देश की 75% से ज्यादा आबादी नियमित रूप से टीवी प्रसारणों को देख रही है। समाचार, गीत संगीत, धारावाहिक, फिल्म व फिल्म आधारित कार्यक्रम, इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, इन्फोटेनमेंट आदि से जुड़े सैकड़ों चैनल भारत में नियमित रूप से दर्शकों को उपलब्ध हैं। दूरदर्शन के चैनल। दूरदर्शन विगत कई वर्षों से निरंतर भारतीय दर्शकों को प्रसारण सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसकी पहचान सरकार द्वारा निर्देशित चैनल की है।
अपने प्रसारण के शुरुआती 25 वर्षों तक DD1 या नेशनल इकलौता चैनल था। दूरदर्शन के दूसरे चैनल की शुरुआत डीडी मेट्रो के रूप में 1984 में हुई। अपनी शुरुआत के कुछ समय तक मेट्रो केवल 4 महानगरों तक उपलब्ध था, लेकिन धीरे धीरे इसकी उपलब्धता राष्ट्रव्यापी होती गई। आज दूरदर्शन के नेटवर्क में 23 चैनल उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से उसके कार्यक्रम दर्शकों तक पहुँचते हैं। यह चैनल अखिल भारतीय चैनल, क्षेत्रीय भाषा, उपग्रह चैनल, राज्य नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय चैनल के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अखिल भारतीय चैनल के रूप में DD1 राष्ट्रीय चैनल है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सूचना एवं मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। दूसरा अखिल भारतीय चैनल DD2 या मेट्रो मनोरंजन चैनल है। अब इसे DD न्यूज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। DD स्पोर्ट्स भी अखिल भारतीय चैनल है, जिस पर खेल गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इस पर महत्वपूर्ण मैचों का सीधा प्रसारण, खेल समाचार, खेल आधारित फीचर, साक्षात्कार, टिप्पणी व परिचर्चा आदि दिखाए जाते हैं। DD भारती भी दूरदर्शन का मनोरंजन चैनल है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एक अखिल भारतीय शैक्षणिक चैनल DD ज्ञानदर्शन से भी प्रसारण करता है। यह चैनल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित होता है, जिस पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। DD इंडिया भी मनोरंजन चैनल है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से दूरदर्शन क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल भी उपलब्ध कराता है। 10 प्रमुख स्थानीय भाषाओं में दूरदर्शन के विभिन्न चैनल मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भाषाई चैनल पूर्वोत्तर की प्रमुख भाषाओं से निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल में दूरदर्शन प्रसारण करता है। DD4 मलयालम, DD5 तमिल, DD6, इस तरह से जाने कितने चैनल हैं। दूरदर्शन चैनलों के राज्य नेटवर्क में DD14 राजस्थान में, DD15 मध्य प्रदेश में, DD16 उत्तर प्रदेश में, इस तरह से बहुत सारे चैनल हैं जो प्रसारण करते रहते हैं। DD वर्ल्ड एशिया यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और कनाडा में उपलब्ध है। यह बहुभाषी चैनल है और इस पर हिंदी तथा अंग्रेजी नेटवर्क के अतिरिक्त पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। निजी नेटवर्क के चैनल। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 के बाद से भारतीय आकाश में निजी चैनल उपलब्ध हो गए। CNN और BBC इसके प्रारंभिक चैनल रहे। केबल न्यूज नेटवर्क अमेरिका का चैनल है और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ब्रिटेन से संचालित होता है। 1992 में भारत में पहले गैर सरकारी निजी नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसे GTV के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्टार, सोनी आदि प्रमुख चैनलों का आगमन हुआ। भारतीय दर्शकों ने तेजी से सेटेलाइट चैनल का स्वागत किया। इससे अनेक भारतीय विदेशी चैनलों का अस्तित्व सामने आ गया। बहुत सारे चैनल हैं जिसमें डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, टेन स्पोर्ट्स, सहारा TV आदि प्रसारण के द्वारा भारतीय दर्शकों को सुलभ हुए हैं। भारतीय दर्शकों को आज अनेक प्रकार के चैनल उपलब्ध हैं। समाचारों के लिए अलग चैनल हैं जो 24 घंटे समाचार उपलब्ध कराते हैं। समाचार चैनल के रूप में दर्शकों को DD न्यूज़ है, NDTV है, स्टार न्यूज़ है, इस तरह से बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार समाचार प्रदर्शित करते रहते हैं। फिल्मों पर आधारित चैनल भी अब बहुतायत है। इसके अलावा खेल प्रेमियों के लिए अनेक खेल आधारित चैनल है, जिसमें टेनिस स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स बहुत सारे प्रमुख हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय चैनल भी कई आ गए हैं हमारे सामने, जो क्षेत्र के, चाहे वो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उनके अपने क्षेत्रीय चैनल हैं जहाँ से उनकी भाषा में उनके कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं। इन चैनलों ने पारिवारिक मनोरंजन को नया तेवर दे दिया है। इन पर प्रसारित धारावाहिकों ने एक विशाल दर्शक वर्ग खड़ा कर दिया है। भारतीय TV जगत में दूरदर्शन के हम लोग, बुनियाद, रामायण, महाभारत आदि कुछ आरंभिक लोकप्रिय धारावाहिक हैं। आज स्टार प्लस के सास भी कभी बहू हो या कहानी घर घर की हो, इन्होंने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया है। कुछ प्रमुख निजी प्रसारण नेटवर्क। आज भारतीय TV जगत में कई प्रमुख प्रसारण नेटवर्क हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। जी नेटवर्क या जी टेलीफिल्म लिमिटेड का भारत का पहला गैर सरकारी सेटेलाइट चैनल माना जाता है। अक्टूबर 1992 में भारत इसकी शुरुआत हुई और यह एशिया सेटेलाइट की मदद से अपना प्रसारण करता है। सुभाष चंद्रा जी टेलीफिल्म के मुख्य कार्यकर्ता या कर्ता धरता हैं। भारत में GTV ने मनोरंजन को नया स्वरूप प्रदान कर दिया है। लोकप्रिय धारावाहिक हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, आज कुल 20 चैनल यह समूह संचालित करता है। इसी तरह से स्टार समूह है।
स्टार समूह सैटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन यानी स्टार भारत के केवल सुविधायुक्त घरों में सर्वाधिक पसंदीदा चैनल समूह है, जिसका फ्लैगशिप चैनल स्टार प्लस अपनी नाटकीय धारावाहिकों से भारतीय जनता का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। जन माध्यमों की दुनिया के बेताब बादशाह कही जाने वाले रूपर्ट मर्डोक के चैनल समूह के रूप में इसकी विशिष्ट पहचान है। 1992 से 1993 से स्टार वर्ल्ड अंग्रेजी चैनल के माध्यम से भारतीय दर्शकों के लिए समूह उपलब्ध हुआ। आज ये समूह दर्शकों को स्टार प्लस के रूप में इंफोटेनमेंट हो, न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह की गतिविधियों से अवगत कराता रहता है। सोनी समूह, सोनी का भारतीय दर्शकों को उपलब्ध कराते हुए सोनी समूह का ग्रुप आज काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। इसमें बहुत सारे चैनल हैं जो फिल्म के लिए हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए हैं, ड्रामा के लिए भी अलग से चैनल है। इस तरह से ये चैनल भी आज भारत में बहुत खास मुकाम स्थापित कर चुका है। टीवी टुडे समूह, यह प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे समूह का टीवी संस्करण है। हिंदी में आज तक, अंग्रेजी में टीवी टुडे के माध्यम से यह भारतीय दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय समाचार चैनल ग्रुप है। सहारा समूह, आजकल इनकी गतिविधियाँ सीमित पड़ती जा रही हैं, लेकिन कभी ये अपने ढेर सारे चैनलों के द्वारा भारत के बहुत सारे लोगों का मनोरंजन किया करता था। इसी तरह से क्षेत्रीय समूह में इनाडू टीवी का नाम जाना जाता है, जो भाषाई चैनल संचालित करने में जिसको महारत हासिल है। ईटीवी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये उर्दू में, तेलुगू में, तमिल में, कई रीजनल भाषाओं में प्रसारण करता है। चैनलों की प्रसारण व्यवस्था, भारतीय दर्शकों को उनके टीवी पर मन संचालन सैटेलाइट प्रसारण व्यवस्था के तहत मुख्यतः प्राप्त होते हैं। लोगों के लिए प्रसारण होता है, केबल ऑपरेटर को शुल्क देकर या डीटीएच के माध्यम से इन चैनलों को देखा जाता है। विशेषीकृत चैनलों की उपलब्धता, चैनलों की संख्या में इजाफा के साथ साथ दर्शकों को विशेषीकृत चैनल भी उपलब्ध हैं। इससे दर्शकों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्यक्रम को देखने की आज़ादी मिलती है और मनपसंद टीवी कार्यक्रम के लिए प्रसारण की तिथि व समय याद करने की बजाय एक ही विषय पर अनेक कार्यक्रम उसके चुनाव के लिए चैनलों ने उपलब्ध करा दिए हैं। इन तथ्यों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सूचना मनोरंजन के तहत कई चैनल दर्शकों को उपलब्ध हैं। टेलीविज़न शुरुआत में जहाँ उसके कार्यक्रमों को देखने के लिए हमें उसके सामने बैठने की ज़रूरत होती थी, आज तकनीकी विकास ने कार्यक्रमों को स्टोर करने की भी सुविधा दे दी है। आज हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह से टेलीविज़न के कार्यक्रमों को देख सकते हैं, जिन्होंने हमारे मनोरंजन के व्यवहार को पूरी तरह से बदल के रख दिया है।